झांसी की रानी बनूं और मर्दों के कत्ल कर दूं, और उसमें एक मर्द तो मुझे मिल जाए तो उसकी बैंड बजा दूं। भगवान करे कीड़े पड़े उस आदमी को, भगवान करे अगर हो ना उसकी पुश्ते गंजी पैदा हो। एक्टिंग थी यार, एक्टिंग डोंट। चलते चलते चलते, मेरी मीडिया के साथ तो हमेशा मुलाकात होती है, लेकिन कम होती है और अब हुई है और अब होती रहेगी। अब मैं मुंबई आ गई हूँ और अब घूमना ही है और काम ही करना है सिर्फ। लेट्स सी, मैं मीडिया से मेरी मुलाकात कम नहीं होती है। मैं बहुत बाहर थी इवेंट के सिलसिले में, कि मैं मुंबई के कोई इवेंट अभी नहीं कर पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं हमेशा से आऊँगी और आप लोगों से मुलाकात करूँगी और लोगों की बैंड बजाऊँगी। आई एम वेरी हैप्पी। सिंटा का जो भी काम है, और हम तो वैसे भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो सिंटा के साथ तो थोड़ा थोड़ा होना चाहिए ना, बातचीत होना चाहिए, क्योंकि यही हमारे आगे काम कर सकते हैं। अगर हमें कभी किसी को बैन करवाना होगा वो हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम ऐसे इंसान नहीं हैं। अगर करना होगा तो किसको करूंगी? जो वहाँ पे है बस बाहर नहीं आ रहा है ना। है ना क्या कर रही हूँ, है ना कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी सिंटा के बारे में मैंने सुना, मुझे पता चला कि काफ़ी ये काम देते हैं, तो हम यहाँ पर आए। काम नहीं देते ये लोग, काम नहीं देते ये लोग, काम देखते हैं और आपको नया चांस देते हैं। एक्चुअली ना निंचक को सिंटा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, शी इज़ फ्रॉम दिल्ली ना, और इसको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये सिर्फ ये अच्छे अच्छे गाने यूट्यूब्स के लिए चलाती है, यूट्यूबर्स है, तो अभी ये इंडस्ट्री के अंदर हमारे आए नहीं और उसको पता नहीं है कि सिंटा क्या है। तो बेबी का जवाब गलत था, लेकिन इट्स ओके। और शी बताएंगी मुझे क्या है, सब गाइड करेंगी, गाइड करूँगी। एक्चुअली क्या हुआ है ना, हमने बिग बॉस की लुटिया डुबो दी। एक्चुअली हमने क्या किया, हमने इतने तड़के दिए ना कि आप हमेशा जैसे याद रखेंगे, जैसे कोई बड़ा स्टार है तो हमेशा आप ये सोचेंगे अरे यार ये अब इस मूवी में और बेस्ट करने वाला है। तो अभी वही हमने कांड कर दिया। हम लोग वैसे भी सभी कांडी थे और हमने सीज़न 11 को इतना आगे बढ़ाया, इतना कामयाब बनाया कि वो मैं आपको सच बता रही हूँ कि हर कंट्री में बड़ा फेमस है, वो बहुत फेमस है जो सीज़न 11 है। लेकिन सीज़न 12 के जो भी आर्टिस्ट थे, जो भी लोग थे, उनको शायद ये लग रहा था कि घर में खड़े होने से वो फेमस हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आपको बहुत काम करना पड़ता है उस घर में। 165 कैमरा होते हैं, सलमान डार्लिंग रहते हैं वहाँ पर। तो वो तो यार है ना, ही इज हैंडसम ना, बहुत हैंडसम है वो। दो फ्रेंड्स को मेरे सीजन से कोई भी फ्रेंड्स, सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि दीपक कलाल को भेज दो। ये सो फनी, बहुत फनी है वो। आई विल सजेस्ट ओनली दीपक कलाल, क्योंकि मैंने उनके बहुत से लाइव्स देखे, उनको कोई कितना भी कोई भी चीज़ बोलते वो इतना बर्दाश्त करते हैं, और बिग बॉस घर ही पेशेंस का है, और दीपक कलाल बेस्ट बंदा है उसके लिए। दीपक अगर तुम चले जाओ ना मेरी इस बात पे, बेटा हिस्सा करूँगी पैसे का। अर्शी को भेजना चाहूँगी और मैं भी जाना चाहूँगी साथ में, मैं भी सेलिब्रिटी हूँ। और राखी को लेके चलते हैं, राखी ऑलरेडी जा चुकी है बहुत पुराने टाइम पे, तो हम दोनों जाएंगे और एंटरटेन करेंगे दोबारा से। पिछली बार कम रही थी, इस बार बहुत ज़्यादा रहेंगे, है ना। यस यस, मैं तो कह रही हूँ मुझे एक साल के लिए बंद कर दो उस घर में, खर्चा पानी देते हैं बिग बॉस, आवाज़ उनकी सुनाई देते, 165 कैमरे रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में चलता है, क्यों ना मुझे एक साल के लिए बंद कर दें यार। सेंटा वालों कुछ करो ना प्लीज़, पता नहीं किस आदमी ने मुझे बैन करवा के रखा है इस इंडस्ट्री में। भगवान करे कीड़े पड़े उस आदमी को, भगवान करे अगर हो ना उसकी पुश्ते गंजी पैदा हो। देख लेना, एक्टिंग थी यार, एक्टिंग डोंट। एक्टिंग किया, चलते है चलते है चलते है। मेरा एक वेब सीरीज़ आने वाला है गेम्स ऑफ डिज़ायर, शारिब हाशमी के साथ एक मैंने गाना प्रोड्यूस किया, साह मेरे स्पीड रिकॉर्डर पर रिलीज़ होगा 31 जुलाई, या फिर उसके बाद भी हो सकता है अगस्त में। तो अभी मेरे दो प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह उसके बाद और सारी चीज़ें आती रहेंगी और मैं अपडेट करती रहूँगी आप लोगों को। और मेरा एक नया गाना आ रहा है, और लेट्स सी मुंबई में क्या होता है, क्या काम मिलता है वो करेंगे। मस्ती का गाना है, पागल होने वाला गाना, जिस जिस तरीके के ढिंचक गाने मैं बनाती हूँ उसी तरीके का गाना है, और बहुत सोच समझ के मैंने इस बार बनाया है कि आपको पसंद ही आए। बीच में काफ़ी और भी सॉन्ग बनाए थे, जैसे कि स्वैग मेरा स्टाइल है और नाचे जब कुड़ दिल्ली दी, वो भी आप देखिए ज़रूर।
और आपको अच्छा लगेगा वो गाने। मैंने आफ्टर बिग बॉस बहुत सारे कैमियो किए हैं, इश्क में मर जामा, बिट्टी बिजनेस वाली, इंटरटेनर ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ की जो यारात थी उस पर भी होस्ट किया, बहुत सारी चीज़ें, इवन कलर्स पे नेगेटिव लीड रोल किया। अगर अच्छा रोल मिलेगा इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी ताकि मैं अपनी आवाम को खुश कर सकूँ, लेकिन अगर अच्छा नहीं मिलेगा तो पैसे कमाने के लिए आई एम सो सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। मैं पैसा कमाने के लिए अपनी इमेज नहीं ख़राब करूँगी। मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे रोल मिले जिसमें मैं झांसी की रानी बनूँ और मर्दों का कत्ल कर दूँ, और उसमें एक मर्द तो मुझे मिल जाए तो उसकी बैंड बजा दूँ। हाँ।